हेलो गाइस, कैसे हैं आप गाइस? स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ गाइस, इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। जो भी फ्रेशर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आफ्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो कहीं प्राइवेट कंपनीज में ट्राई करने जाते हैं। जो भी फ्रेशर्स हैं वो डिग्री करने के बाद ढूंढते हैं कि कौन सी कंपनी में जाएँ, कहाँ जाएँ। तो जो हम अपनी कंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टॉप कंपनीज़ हैं, लाइक लार्सन एंड टर्बो है, टाटा है, जय प्रकाश इंफ्राटेक है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एफकॉन है, बहुत सारी गाइज यहाँ पे टॉप कंपनीज़ हैं यहाँ इंडिया में। तो गाइज जो फ्रेशर होते हैं वो ट्राई करते हैं कि हम इन कंपनीज़ में जाएं। तो उनको क्या करते हैं, जब उनको इंटरव्यू लेते हैं तो उनको एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। उनको गाइज थोड़े से टिटबिट्स चाहिए, थोड़े से साइट के रिलेटेड नॉलेज चाहिए, जो उनको पता होना चाहिए, इजीली फिर वो किसी भी कंपनीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, जो मैं ये चार पांच पार्ट्स इसके बनाने जा रहा हूँ, ये जो सिविल इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग टिप्स के बारे में मैं गाइज चार पांच पार्ट्स बनाने जा रहा हूँ, तो गाइज ये काफ़ी बेनिफिशियल है, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जो भी फ्रेशर हैं, जो गाइज कंपनीज़ में जाना चाहते हैं और उनको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, पता नहीं होता है कि क्या पूछेंगे, साइट के रिलेटेड हमें एक्सपीरियंस नहीं है। सो गाइज आपको क्या करना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइज मैं इसके पाँच छः वीडियोज़ इसके ऊपर बताऊँगा जो भी आज तक इंटरव्यू में पूछा गया है। सो गाइज अगली बार जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो आया है, तो उस पर आपको मैं और जानकारी दूंगा कंपनीज़ में, जो भी डिफरेंट कंपनीज क्वेश्चन आए हैं। सो गाइज चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गाइज यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। स्लैब का जो थिकनेस होना चाहिए वो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, 125 mm, 125 mm स्लैब का थिकनेस होना चाहिए। इसका मतलब है 5 इंच मिनिमम होना ही चाहिए स्लैब, उससे कम स्लैब आप नहीं डाल सकते हो, 5 इंच से कम आप नहीं डाल सकते हो। दूसरा पॉइंट है फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट इज़ मैक्सिमम। मैक्सिमम फ्री फॉल कंक्रीट कितना होना चाहिए गाइज, आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। गाइज आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये जो फ्री फॉल है कंक्रीट का, ये आप कहीं पे चाहे आप स्लैब में पोर कर रहे हो या कॉलम में पोर कर रहे हो या बीम में आप डाल रहे हो कंक्रीट, तो वो आप मैक्सिमम कितने हाइट से, चाहे पंप के थ्रू, पाइप के थ्रू, कैसे भी आप डाल रहे हो या ट्रॉली के थ्रू, आप मैक्सिमम हाइट कहाँ से पोर कर सकते हो, 1.5 मीटर, उसका मतलब 4.5 फीट से ज़्यादा आप पोर ऊपर से पोर नहीं कर सकते, आप 10 फीट से कंक्रीट को फेंक नहीं सकते हो स्लैब में। इसके लिए भी गाइज रूल है, स्टैंडर्ड रूल है, तो आप 1.5 मीटर आप को फ्री फॉल, मैक्सिमम जो फ्री फॉल होना चाहिए वो 1.5 मीटर होना चाहिए कंक्रीट का, उससे ऊपर आप फेंक नहीं सकते हो। मिनिमम बार्स फॉर स्क्वेयर कॉलम गाइज, अगर आपके पास एक स्क्वेयर कॉलम है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो मिनिमम बार्स आप कॉलम में कितने प्रोवाइड कर सकते हो, स्क्वेयर कॉलम में आप गाइज 4 मिनिमम बार्स प्रोवाइड कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी गाइज आप डाल सकते हो स्क्वेयर कॉलम में, लेकिन कम से कम आपको 4 सरिया डालना ही डालना है स्क्वेयर कॉलम में। इसके बाद गाइज जो सर्कुलर कॉलम है, जो सर्कुलर कॉलम है उसमें मिनिमम आप 6 सरिए डालने ही डालने हैं, 6 नंबर ऑफ बार्स आपको प्रोवाइड करने ही करने हैं, उसे ज़्यादा भी आप कर सकते हो लेकिन कम से कम आप 6, ये गाइज आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं स्क्वेयर कॉलम में कितने बार्स प्रोवाइड करते हैं मिनिमम, सर्कुलर बार्स में मिनिमम कितने बार्स प्रोवाइड करते हैं, तो आपको याद रखने गाइज तो आपको याद रखने गाइज 6 बार्स आपको मिनिमम प्रोवाइड करने हैं। मिनिमम डायमीटर ऑफ चेयर्स यूज इट इन, मिनिमम डायमीटर गाइज जो चेयर हम प्रोवाइड करते हैं जब हम डबल मैश लगाते हैं, चाहे फाउंडेशन में हो, राफ्ट में हो या स्लैब में हो, जब हम डबल मैश बार्स प्रोवाइड करते हैं तो हम गाइज आप देखेंगे ये जो स्क्रीन पे मैंने दिखाया है इसे चेयर कहते हैं, तो ये हम मिनिमम जो उसका जो डायमीटर होता है चेयर का वो 12 mm होता है, 12 mm से कम आप यूज़ नहीं कर सकते हो गाइज, ये आपको याद रखना है। मिनिमम डायमीटर ऑफ डोवल बार्स, तो डोवल बार्स गाइज ये भी हम जब रिजिड पेमेंट होते हैं रोड्स में हम यूज़ करते हैं या स्लैब में यूज़ करते हैं हॉरिजेंटल रिस्ट्रिक्शन मोमेंट के लिए। सो गाइज ये जो बार्स हैं डॉल बार्स, तो ये भी मैं आप स्क्रीन पे देख लीजिए, इसे गाइज डॉल बार्स कहते हैं, ये 12 mm होना ही होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ चेयर्स जी गाइज, ये जो हम स्पेसिंग चेयर का जो मैक्सिमम स्पेसिंग होना चाहिए गाइज वो 1 मीटर होना चाहिए, इसका मतलब है एरिया जो 1 मीटर के एरिया में आप खाली एक चेयर प्रोवाइड कर सकते हो, आप 1 मीटर के एरिया में एक चेयर से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। लेपिंग नॉट अलाउड फॉर बार्स मोर देन 36 mm डायमीटर गाइज, 36 mm डायमीटर जो सरिया होगा उसमें आप लैपिंग नहीं कर सकते हो, आप सरिये को जो हम लैप करते हैं ओवरलैप देते हैं आप उसमें अलाउ नहीं है। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन 15%,
गाइस जो अगर आप एक ईंट उठा लेंगे उसको पानी में डुबो देंगे, सो जब वो पानी जब वो सोक करेगा तो उसका जो एब्जॉर्प्शन वो 15% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर उसने 15% से ज़्यादा ईंट ने एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका मतलब वो अच्छी क्वालिटी की ईंट नहीं है। गाइस पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6, ये भी गाइस आपको पता है, तो अल्कलाइन एसिड बेस आपको पता ही होगा। तो ये वैल्यू है पीएच वैल्यू नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं मिक्स के लिए, मोर्टार के लिए तो 6 होना ही चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, ईंट का जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ है गाइस वो कितना होना चाहिए। जैसे कंक्रीट का होता है कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट, जब हम यूटीएम में टेस्ट करते हैं तो उस ईंट का भी जब हम टेस्ट करेंगे, जब इसके बाद जब ये कंप्रेस करेंगे उसके बाद जब ये टूट जाएगा तो ये कितना कंप्रेशन टेस्ट कंप्रेशन स्ट्रेंथ इसका कितना होना चाहिए, ये बियर करना चाहिए 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, आपको ये याद रखना है गाइस। उसके बाद गाइस क्या होता है, अगर सॉइल फिलिंग कहीं पे जब आप कोर कटिंग टेस्ट आप कहीं पे करते हो, कोर कटिंग टेस्ट के लिए गाइस आपको करना है क्या करना है, 100 मीटर स्क्वायर में गाइस 100 मीटर स्क्वायर में आपको 3 सैंपल टेस्ट के लिए लेने ही लेने हैं गाइस। ये आईएस कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से आपको ये याद रखने गाइस। नेक्स्ट है मेन बार्स इन स्लैब, मेन बार्स हम कितने प्रोवाइड करते हैं, मिनिमम जो है वो 8 mm होना चाहिए अगर आप HYSD बार्स यूज़ कर रहे हो। HYSD का मतलब होता है गाइस हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्मड बार्स गाइस, ये भी एक टाइप ऑफ बार्स होते हैं। ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में गाइस मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन TMT बार और HYSD बार्स में क्या डिफरेंस है, क्यों यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं। और अगर गाइस आप TMT यूज़ कर रहे हो तो मिनिमम आपको 10 mm यूज़ करने हैं मेन बार्स के लिए गाइस। TMT बार्स जो होते हैं इसको कहते हैं थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, ये गाइस इसको हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं। ये अर्थक्वेक प्रोन में जहाँ पे अर्थक्वेक आता है वहाँ पे भी हम TMT बार्स मोस्टली यूज़ करते हैं गाइस। इसको ये करोजन रेजिस्टेंस है, इसको जंग नहीं लगता है, ये फायर को कैच नहीं करता है, तो गाइस TMT बार्स हम मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके बाद गाइस है डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो होंगे स्लैब में वो हम मिनिमम 8 mm यूज़ करते हैं, या गाइस वो हम नॉट मोर देन 1/8 ऑफ स्लैब। 125 mm की स्लैब है उसका मतलब 15 mm से ज़्यादा आप डिस्ट्रीब्यूशन बार डायमीटर को यूज़ नहीं कर सकते हो। ये तो गाइस आपको पता ही है, यहाँ से ऐसे अगर आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, अगर ये स्लैब के डायमेंशन है, ये मान लीजिए गाइस 10 फीट है, ये 40 फीट है, तो मेन बार्स आप कैसे प्रोवाइड करें, मेन बार्स आप हमेशा आउटर स्पेन पे प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसे आप मेन बार्स प्रोवाइड करेंगे ऐसे गाइस। सो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स गाइस, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स अलोंग द लेंथ ऐसे हम प्रोवाइड करेंगे, ये मेन बार्स के ऊपर हम ऐसे प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन बार्स आप TMT के 10 mm, इसका मतलब है आप ऐसे 10 mm आपको प्रोवाइड करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होंगे ये आप 8 mm मिनिमम प्रोवाइड कर सकते हो, 8 mm से ज़्यादा नहीं, कम नहीं, 8 mm से कम नहीं। इसके बाद गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए लैप स्लाइस इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर बार्स ग्रेटर देन 36 mm। गाइस लैप स्लाइस क्या होता है, जब आप दो बार्स प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, जब आप कहीं पे बीम बांध रहे हो या कुछ और बांध रहे हो तो ये आगे तक आपको जाना होता है, तो यहाँ पे जो आप बाइंडिंग वायर से इसको बांध देते हो यहाँ पे लैप स्लाइस जो आगे भी ऐसे, जो मैक्सिमम जो लेंथ होती है बार की वो 12 मीटर या 9 मीटर से, आप 12 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बाइंडिंग वायर से बीम मान लीजिए यहाँ तक है हमारी बीम, ये 100 फीट है, तो गाइज आपको यहाँ पे जो बार्स है उनको सरिये को जॉइंट देना है ना कहीं ना कहीं, तो ये जो लैप होता है यहाँ पे इसको लैप स्लाइस कहते हैं। तो गाइज ये 36 mm से ज़्यादा जो डायमीटर सरिया होगा उसको हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड इज़ कितना होना चाहिए, जो हम बाइंडिंग वायर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे देख लीजिए गाइज, जो ये रॉड है और दूसरी रॉड को जब हम यहाँ पे बाइंडिंग वायर से बांध देते हैं या यहाँ पे हम बाइंडिंग वायर से बांध देते हैं, एक वायर होती है, तो पर मीटर टन कितना होना चाहिए, 8 kg पर मीटर टन होना चाहिए। इसका मतलब है गाइज 1 मीटर टन सरिये में जो हमने यहाँ पे सरिया यूज़ किया, 1 मीटर टन में हमें 8 kg बाइंडिंग वायर यूज़ होना चाहिए, तो यहाँ पे हम बांधेंगे तो टोटल 8 kg मिनिमम हमें यूज़ होना चाहिए। सो गाइस आगे चलिए, मिनिमम साइज़ ऑफ कॉलम एज पर IS कोड, गाइस कॉलम का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, 450 से 300 mm, इसका मतलब गाइस ये जो हम कॉलम प्रोवाइड करेंगे, ये गाइस ये जो कॉलम है हम प्रोवाइड करते हैं इसका जो साइज़ होना चाहिए वो गाइस
300 बाई 450 mm होना चाहिए। साढ़े 400 गाइस ये होता है 1.5 फीट, 300 mm ये ऑलमोस्ट होता है 12 इंच। इसका मतलब 1.5 फीट बाई 12 इंच का मिनिमम कॉलम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो कॉलम का साइज़ जो है एज़ पर गाइस इंडियन स्टैंडर्ड कोड है, तो मिनिमम साइज़ जो कॉलम का होना चाहिए वो 450 mm से 300 mm का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये साइज़ ऑफ कॉलम है यू गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। मिनिमम RCC कंक्रीट मिक्स शुड बी गाइज, जी हाँ, जब हम गाइज यहाँ पे देख लीजिए, जब हम कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं, जब हम RCC स्लैब डालते हैं या कॉलम डालते हैं, तो उसमें हमें जो कंक्रीट मिक्स है वो कितना होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए गाइज M15। 1, 2, 4 आप यूज़ कर सकते हो, 1, 1.5, 3 आप यूज़ कर सकते हो M20 गाइज, 1, 3, 6 आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ये जो है गाइज ये PCC के लिए होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए। RCC के लिए आप मिनिमम जो होता है, जो कंक्रीट होता है मिक्स, 1, 2, 4 आप डाल सकते हैं, 1, 2, 4 से कम नहीं डाल सकते हैं। PCC में आप मैक्सिमम 1, 3, 6 भी डाल सकते हो, 1, 2, 4 भी डाल सकते हैं PCC में। RCC में आपको याद रखना है गाइस मिनिमम 1, 2, 4 होता है, इससे ऊपर भी होता है, उसको हम डिज़ाइन मिक्स बोलते हैं। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन स्लैब कितना होना चाहिए गाइस, 0.12% टोटल एरिया जो आपका यहाँ पे गाइस स्लैब है, ये जो गाइस आपका स्लैब है इसमें गाइस ये होना चाहिए 0.12% टोटल स्लैब के एरिया का, टोटल एरिया का 0.12% होना चाहिए मिनिमम परसेंटेज स्टील, इतना होना चाहिए। मैक्सिमम कितना परसेंटेज स्टील होना चाहिए स्लैब में, 4% होना चाहिए टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का, जो भी ये एरिया है स्लैब का उसका 4% होना चाहिए स्टील स्लैब का। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम, कॉलम में कितना होना चाहिए गाइस, 0.8% क्रॉस सेक्शनल एरिया का, जो गाइस ये कॉलम है इसमें कितना होना चाहिए मिनिमम 0.8% सरिया होना ही चाहिए इसका एरिया, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इस कॉलम का, ये मिनिमम है गाइस, ये मिनिमम है। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम परसेंटेज होना चाहिए 6% स्टील टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इस कॉलम का होना चाहिए, मैक्सिमम 6% सरिया होना चाहिए इस कॉलम में, और मिनिमम 0.8% कॉलम में होना चाहिए जितना इसका क्रॉस सेक्शन होगा। इसके बाद बीम की बात करें, तो बीम में मैक्सिमम परसेंटेज स्टील, मैक्सिमम कितना सरिया होना चाहिए, 4% होना चाहिए इसके एरिया का। इसके बाद गाइज नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो क्लियर कवर के बारे में बात करते हैं। क्लियर कवर में गाइज आप देख लेंगे बीम में मिनिमम क्लियर कवर कितना होना चाहिए, सो गाइज मिनिमम आप 25 mm डाल सकते हो, इसका मतलब 1 इंच आप क्लियर कवर रख सकते हो बीम में। कॉलम में गाइज आप 40 mm क्लियर कवर रख सकते हो मिनिमम, स्लैब में गाइज आप मिनिमम 20 mm रख सकते हो क्लियर कवर। गाइज आपको पता ही होगा, ये मान लीजिए एक स्लैब है, तो यहाँ पे एक बेंटअप बार है, तो गाइज यहाँ से लेके जो नीचे जो ये गैप रहता है कंक्रीट और रेनफोर्समेंट, सरिया और कंक्रीट के बीच में जो ये थोड़ा सा गैप रखते हैं हम नीचे से, इससे हम कहते हैं क्लियर कवर। तो गाइज स्लैब में हम देते हैं मिनिमम 20 mm, आधा इंच हम दे देते हैं। तो फाउंडेशन में कितना होना चाहिए गाइज, फाउंडेशन में आप मिनिमम 50 mm होना चाहिए। सो गाइज ये था आज का वीडियो, गाइज ये हमारा पार्ट वन है, अभी फ़िलहाल मैं और भी पार्ट लेके आऊँगा, मैं 4-5 पार्ट लेके आऊँगा, जितने भी टॉप कंपनीज ने क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं उनको साइट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं वो मैं सारे लेके आऊँगा। फिलहाल आपको क्या करना है गाइज, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोज़ बनाऊँगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि नया वीडियो आ चुका है, तो आप देख सकते हैं फिर से। फिलहाल तो आप गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सो आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को गाइज सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सी यू गाइज।